भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में किए गए अभद्र व्यवहार के बाद से ही देश के लोगों में खासा गुस्सा व्याप्त है, जिसके चलते सभी स्थानों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर कुछ संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पाकिस्तान का हर बच्चा बम बनाना जानता है और वह उसी भाषा को समझता है। कुलभूषण जाधव की मां के साथ और उनकी पत्नी के साथ जो बदसलूकी की गई है, उसके संबंध में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, उच्चायुक्त पाकिस्तान को भेज रहे हैं, जिन्होंने ये बदसलूकी की कि एक साल तक तो नाटक किया कि कुलभूषण जाधव की मां को उसके बेटे से मिलवाया जाएगा। जब एक साल नाटक खत्म होने के बाद जब उसकी माँ और उसकी वाइफ उनसे मिलने जाती हैं तो उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है, क्या किसी मेहमान के साथ ऐसा ही किया जाता है? हिंदू पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, क्या इस्लाम यही सिखाता है कि किसी महिला के साथ ऐसी बदसलूकी को करो? उसकी जूतियां और जो सुहाग की आखिरी निशानी मंगलसूत्र होता है वो भी उतरवा दिया जाता है, बिंदिया भी उतरवाई जाती है, चूड़ियां भी, जूतियां, सब कुछ उतरवाया जाता है कि पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि इस्लाम ने ये तालीम दी है। वो इस्लाम को बदनाम करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए। और पाकिस्तान शायद भूल रहा है, पाकिस्तान शायद कारगिल भी भूल गया है। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो अमन पसंद मुल्क है, जो मेहमान नवाजी करना जानता है। पाकिस्तान को मेहमान नवाजी सीखनी है तो हमारे हिंदुस्तान से सीखे। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, वो किस तरह मेहमान नवाजी और इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लामिक मुल्क बनने से नहीं, इस्लाम को फॉलो करने से इस्लामी मुल्क बनता है। जनाब, मैं जानना चाहूंगा क्या मांग है आपने, क्या उच्चायुक्त पाकिस्तान से मांग करी है? जो हमने यही मांग की, इस तरह की घटना ऐसी घटना दोबारा ना हो, और जो किए उसको पाकिस्तान माफी मांगे हिंदुस्तान से कि हमने वाकई ये गलती की है कुलभूषण जाधव की माँ के साथ और उनकी वाइफ के साथ। एक माँ अपने बेटे को गले से नहीं लगा सकी और शीशे की दीवार बीच में लगा दी, क्या ये इंसानियत है? क्या उनके पास कोई बॉम्ब था? बॉम्ब से खेलने का काम पाकिस्तान का है, उसका बच्चा बॉम्ब से खेलता है। हमारा हिंदुस्तान तो अमन पसंद मुल्क है और अमन के साथ हम रहते आए हैं। हम चाहें तो दो मिनट में हमारा हिंदुस्तान नक्शे से मिटा सकता है पाकिस्तान को, लेकिन नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं। हिंदुस्तान अमन